नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे बीटा हिस्टीन की, जिसे अक्सर चक्कर आने की परेशानी के लिए बहुत कॉमनली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह दवा कैसे काम करती है, क्या यह दवा सभी उम्र के मरीज ले सकते हैं, इसे स्टोर कैसे करना है, अगर इसका कोई डोज मिस हो जाए तो आपको क्या करना है। दोस्तों, बीटा हिस्टीन एक हिस्टामिनिक एनालॉग है, या यूं कहें हिस्टामिन जैसा या उससे संबंधित कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल वर्टाइगो, जिसे सामान्य भाषा में चक्कर आना कहते हैं, उसके लिए किया जाता है। यह H1 एंड H3 रिसेप्टर्स पर काम करता है और हिस्टामिन को बढ़ाता है। यह इनर ईयर की ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाता है, जिससे वर्टाइगो में रिलीफ मिलता है। चक्कर कई कारणों से आ सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से अचानक BP कम होना, अचानक उठने और बैठने से भी कई लोगों को वर्टाइगो होता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी चक्कर आ सकते हैं। कान की कुछ बीमारियों में भी यह लक्षण देखा जाता है, जैसे कि BPV या बिनाइन पोजिशनल पैरॉक्सिज्मल वर्टाइगो, जहां हेड की एक पर्टिकुलर पोजीशन में वर्टाइगो होने लगता है। अकोस्टिक न्यूरोमा, जहां कान से ब्रेन तक जाने वाली नर्व में ट्यूमर बन जाता है और यह भी वर्टाइगो का कारण बनता है। वर्टाइगो अंदरूनी कान में होने वाली एक बीमारी मीनियस डिजीज में भी देखा जाता है, जिसके लक्षण है सर घूमना, चक्कर आना, जी घबराना, कान में रिंगिंग जैसी आवाज होना, जिसे टिनिटस भी कहते हैं, और सुनने की क्षमता का कम हो जाना। अंदरूनी कान, जिसे इनर ईयर भी कहा जाता है, हियरिंग के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, वह है बॉडी का बैलेंस बनाना। इनर ईयर में एक ऐसा फ्लूड होता है जो इस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। मीनियस डिजीज में यह फ्लूड ज़्यादा बनने लगता है और इस एक्सेस फ्लूड से कान का प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं और सर घूमना, चक्कर आना, जी घबराना जैसे लक्षण मरीज में आने लगते हैं। बीटा हिस्टीन इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है और कान के इस रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, जिससे इन लक्षणों में आराम मिलता है। वर्टाइगो सर की चोट के बाद और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में भी देखा जाता है। आइए अब बात करते हैं ये दवा आपको कैसे लेनी है। ये बाजार में 8, 16 और 24 mg स्ट्रेंथ में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में ही करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक ही लेना चाहिए। इस दवाई को डॉक्टर द्वारा आपकी उम्र, वजन और बीमारी को ध्यान में रखते हुए दिन में 2 या 3 बार तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह दवा ज़्यादा असरदार हो, इसके लिए रेगुलर टाइम पर और बराबर अंतराल पर इसे लेना ज़रूरी है। ऐसा करने से शरीर में इस दवाई का एक कांस्टेंट लेवल बना रहता है और यह दवा ज़्यादा असरदार साबित होती है। इस दवा से अगर आपका पेट डिस्टर्ब होता है तो आप इसे खाने के बाद ही लें। इस दवा को ना तो बिना डॉक्टर से पूछे शुरू करना है और ना ही बिना पूछे बंद करना है। अचानक बंद करने से आपके लक्षण लौट सकते हैं और इवन बढ़ भी सकते हैं। अगर किसी दिन आप ये दवा लेना भूल जाते हैं तो आपको यह दवाई जब भी याद आए तब लें। परंतु अगर आपको जब याद आए, जब नेक्स्ट डोज का टाइम होने वाला हो, तो उस डोज को मिस कर दें और रेगुलर टाइम पर नेक्स्ट डोज लें। किसी भी हालात में आपको इस दवा की डबल डोजिंग नहीं करनी है। इस दवा का पूरा असर आने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, इसलिए अगर दवा लेते हुए भी आपके लक्षण कम नहीं हो रहे हैं तो भी दवा लेना ना छोड़ें। इस दवा को बच्चे और पेट्स की पहुंच से दूर रखें। इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें और तेज लाइट और नमी से बचाएं। दवा खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और एक्सपायर्ड दवा ना लें। दोस्तों, उम्मीद है बीटा हिस्टीन पर दी गई है मेरी जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।